दोस्तों, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये एक मकान है जो कि बिक्री पे है, और मकान लगभग ये एक अच्छे फैमिली का मकान है। ये आपको अब कंकड़ बाग का एरिया पड़ता है, कंकड़ बाग में जो भागवत नगर है, तो ये आपको भागवत नगर का एरिया है। मकान जो है वो एकदम नया मकान है और इसका इंटीरियर वगैरह भी बहुत अच्छा किया हुआ। आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर वगैरह, और टाइल्स भी आप इसका देख सकते हैं, मतलब अपने लिए इन्होंने घर बनाया था। और लगभग ये करीब 1100 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और दोस्त, इसकी दूसरी जो सबसे अच्छी बात है वो इसका फेसिंग जो है वो ईस्ट का है, और रोड भी यहाँ पे आपको 20 फीट का रोड पड़ेगा। तो ये भागवत नगर में मकान है, और अगर किन्हीं को चाहिए होगा तो जिनके थ्रू ये मकान मुझे प्रोवाइड किया गया, मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट उन लोगों से मिलके अपना डील कर सकते हैं। तो ये लोकेशन आपको कंकड़ बाग भागवत नगर का है। एक्चुअली हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, मैं सोचते हूँ कि आप लोगों को शेयर कर दूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाएँ मकान देखें। बाकी अगर आप अगर चाहेंगे इसमें अगर बैंक लोन वगैरह करवाना, तो आप पहले जाके इसका सारा बात कर ले, फिर हम आपको बैंक लोन करवाने का, अगर इसका पेपर सारा सही रहेगा तो 100% आपको इसमें बैंक लोन हम करवा देंगे। और उससे आपका दो चीज़ हो जाएगा, एक तो आपका मकान का पेपर वगैरह चेक भी हो जाएगा, बैंक लोन होगा उसमें, LSR बनेगा तो सारा कुछ आपका चेक हो जाएगा। और बाकी आप ये मकान देखें, काफ़ी अच्छा वॉशरूम वगैरह भी सारा कुछ, एकदम नया मकान है ये, और लगभग 2 CR का इसका जो है आपको रेट कहा जा रहा है कि 2 CR के आसपास। आप देख सकते हैं सारा फिटिंग वगैरह सारा कुछ एकदम मस्त है। आपको 1100 स्क्वायर फीट का ये लगभग आपको पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है इसमें आपको रोड भी सही मिल रहा है, मतलब 20 फीट का रोड मिल रहा है, और फेसिंग का भी आपको इश्यूज़ नहीं है। आप देख सकते हैं, अभी हम आपको फ्रंट से सीन दिखाते हैं, जो ये सामने रोड है ये 20 फीट का रोड है, ये गैलरी टाइप से हो गया, और इसका फेसिंग भी ईस्ट है, तो ये दोनों इश्यूज़ जो है जनरली प्रॉब्लम होता है। दूसरा, मकान नया है, और रेट की जहाँ तक बात है वो लगभग 2 CR का रेट है, तो उसमें आप निगोशिएट कीजिए ओनर के साथ में बैठिए, तो फिर वो चीज़ें ऑटोमेटिक बन जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा।